हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सतीश सिंह, आप देख रहे टेकवल। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, वो टाइटल देख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि अभी जो बहुत सारे यूट्यूब पे न्यू चैनल बन रहे हैं, और जो न्यू चैनल बन रहे हैं उनको हमेशा क्या एक कैमरामैन की जरूरत पड़ती है। हमेशा एक दोस्त को साथ में लेके चलना पड़ता है जो कि उसका वीडियो बना सके, फोन पकड़ के उसका वीडियो बना सके। तो आज हम उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेके आए हैं एक, इधर देखिए, एक ट्राइपॉड, एक बहुत ही चीप प्राइस वाला ट्राइपॉड। और चलिए आप देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करके एंड कैसी इसकी क्वालिटी है। मैं भी नया यूट्यूब पे, जब मैंने भी अपना यूट्यूब पे न्यू चैनल बनाया, तो देखते हैं कि मैं ये कैसा, इसका क्वालिटी कैसा है। मैं इसे पर्सनली यूज के लिए लिया हूँ, आप देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। एंड प्राइस बहुत ही चीप है, वो वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे हमेशा आते रहे। तो चलिए इसी के साथ इसका अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये ट्राइपॉड है एंड चलिए अब इसे खोल के देखते हैं कि अंदर क्या क्या मिला है। बेसिकली ट्राइपॉड ही होगा, लेकिन कैसे तैयार कर देखते हैं, चलिए चेक करते हैं। तो पैकिंग तो बहुत ही अच्छी थी। चलिए इसके पहले भी मैं इसे खोल के देख चुका हूँ, ये तो सिर्फ अनबॉक्सिंग वीडियो बनाना था इसलिए मैंने बोला बना देते वीडियो। चलिए पैकिंग तो बहुत अच्छी की है, एक एक्स्ट्रा बॉक्स भी दिया है एंड चलिए अब ये ओपन कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन के लिए। ठीक है, ये एक मोबाइल फ़ोन के लिए दिया गया है, इसके ऊपर आप अपना मोबाइल फ़ोन रख के देख सकते हैं। ये मैं पूरा असेंबली करके आपको दिखाऊंगा कि ये प्रॉपर दिखता कैसा है। ठीक है, तो थोड़ा वेट करें एंड हम नेक्स्ट इसके अंदर क्या क्या है वो देख लेते हैं। ये है मेन स्टैंड, चलिए इसे मैं अभी अपने पास रख लेता हूँ एंड नेक्स्ट क्या क्या आइटम है वो दिखाता हूँ। ये हमें कैमरा, फोन या कैमरा को मूव करने के लिए काम आता है। ठीक है, चलिए मैं आपको बॉक्स के ऊपर कुछ स्पेसिफिकेशन लिखे हैं वो मैं बता देता हूँ एंड इसका कुछ साइज भी कुछ लिखा हुआ है। ये जो ट्राइपॉड है ये कैमरा के अंदर भी यूज होता है एंड फोन भी आप इसके ऊपर रख सकते हैं। एंड बेसिकली इसकी साइज 20 सेंटीमीटर है एंड एल्युमिनियम बॉडी से बना हुआ ये है, एल्युमिनियम एंड प्लास्टिक इसके अंदर यूज़ किया गया है एंड बहुत ही लाइट वेट है एंड ऐसा कोई स्पेशल चीज़ तो इसके ऊपर मेंशन नहीं किया गया है। चलिए तो फिर अब स्टार्ट करते हैं, सीधा चेक करते हैं कि जो ट्राइपॉड है वो कैसा दिखता है। चलिए बॉक्स पर रख दी साइड में पंडा भी इसका। तो ये है हमारा ट्राइपॉड, तो चलिए एक काम करते हैं अब इसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसे ओपन कैसे करते हैं देख लेते हैं। मैं वीडियो के एंड में इसी ट्राइपॉड से आपको वीडियो शूट करके बताऊंगा कि कैसा फ़ोन स्टेबल रहता है, ऐसा क्या जो न्यू यूट्यूबर्स है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। जो महंगा जो ट्राइपॉड होता है 1500-2000 के, वो अफोर्ड नहीं कर पाते एंड हमेशा एक फ्रेंड चाहिए रहता है कि कोई भी वीडियो बना ले, तो वो लोग ये ट्राइपॉड ले सकते हैं ताकि आप अकेले भी रहें तो आप ईजिली वीडियो बना सकते हैं। एंड ये अराउंड कुछ आपको 350-400 में आपको मिल जाएगा। अच्छा है, जैसे मतलब क्वालिटी उतनी भी खास नहीं है, लेकिन मतलब प्राइस सेगमेंट पे है, 400 रुपये में आपको अच्छा है, फिर 400 अपने प्राइस के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, चलिए अभी से मैं पूरा असेंबल कर देता हूँ क्या क्या लगता है इसके अंदर। ये मेरे ख्याल से यहाँ पे सेट होगा एंड इसे टाइट कर देता हूँ। ये देखिए मूवमेंट के लिए यूज लगता है, यहाँ पे करना पड़ रहा है प्रॉपर एंड चलिए ये लग चुका है प्रॉपर। एंड अब मेन जो हमारा स्टैंड है वो लगा लेते हैं। ये यहाँ से इसको अगर नीचे से आप ये थोड़ा लूज कर लेंगे तो ये आपका फ़ोन का जिसके ऊपर आप फ़ोन रखते हैं वो बाहर आ जाएगा एंड यहाँ पे आप अपना DSLR भी सेटअप कर सकते हैं या फिर कैमरा भी रख सकते हैं। तो ये कैमरा और फ़ोन बहुत इसके अंदर दोनों सपोर्टेड है। तो चलिए अब इसे असेंबल कर लेते हैं और मोबाइल फ़ोन रख के देखते हैं कि कैसा वीडियो आता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये इसका पूरा लुक दिखा दूंगा, ये कितना लंबा दिखता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए इसे मैं 2 मिनट में असेंबल कर देता हूँ फटाफट। असेंबल करना बहुत ईजी, कोई टफ काम नहीं है, बस 2 मिनट लगता है इसे असेंबल करने में। एंड देखिए ये पूरी असेंबली हमारी रेडी हो चुकी है। चलिए मैं आपको इसका एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारा ट्राइपॉड है, आप देख सकते हैं कि साइज़ बहुत अच्छी है एंड वो उसके बॉक्स पड़े हैं, साइज़ अच्छी है और बहुत ही लाइट वेट है, कहीं भी आपको कैरी करना इजी होगा। बट इसे आपको थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा क्योंकि अगर इस पर कोई भी ज़्यादा वजन वाला कुछ लग जाता है या कोई इसके ऊपर बैठ जाता है तो ये फिर आपका बैंड हो जाएगा। प्राइस सेगमेंट के हिसाब से इसकी क्वालिटी अच्छी है समझ लीजिए, क्योंकि इसका प्राइस भी कम है तो उस हिसाब से भी मटेरियल दिया गया है
एंड अब मैं इसे इसके ऊपर आपको वीडियो शूट करके बताता हूँ कि क्या। तो गाइस मैं अभी अपना वीडियो ट्राइपॉड से शूट कर रहा हूँ। ट्राइपॉड के मैंने देखा है प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ट्राइपॉड अच्छा ही है, एंड बार बार आपको किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि वीडियो बनाने के लिए एक आदमी को हमेशा लेके रखना है। तो ये ट्राइपॉड अगर आप यूट्यूब पे न्यू है एंड न्यू चैनल बना है और आपका बजट उतना नहीं है तो ये ट्राइपॉड आपके लिए बेस्ट है। एंड मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। एंड अगर आपको इसके ऊपर कोई हैवी जैसे कोई अगर कोई भारी कैमरा रहता है तो वो स्टेबली नहीं रह पाएगा। ये मैंने देखा है कि क्वालिटी उतनी नहीं है, जैसे डिजिटेक के भी कुछ 1500 के ट्राइपॉड्स है उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है, लेकिन उस हिसाब से उसका प्राइस भी सेट किया गया है। ये 350 to 400 में आपको प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। फ़ोन के लिए तो बहुत ही बेटर है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के। एंड मैं भी अब यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे ख्याल से तो बेटर ही है। एंड अब आगे क्या इसका रिव्यू होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट जो मेरे चैनल के हैं वो आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।